जल भराव की है। बस, बस, बस। अगर एक मिनट भी पानी पड़ता है तो मंडी में एक एक घुटने पानी हो जाता है, हर एक के घुटने तक पानी आता है। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है। और आवारा पशु अब भी आप देख सकते हैं, तमाम आवारा पशु इस मंडी के अंदर बैठे हुए घूम रहे हैं, जिससे हमारी सब्जी का बहुत भयंकर नुकसान होता है। शौचालय तक नहीं इस मंडी के अंदर, टूटी हुई है, चारों तरफ गंदगी है। आए हमारा पशु तो घूमते घूमते लेटरिन भी पानी जमा करते हैं। प्रधान जी आगे आगे मंडी समिति के आप अध्यक्ष बने हैं, नई कमेटी है, क्या नाम है, शुभ नाम क्या है आपका? गुजरात सिंह। सर आज क्या 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 प्रस्ताव लिया गया है? प्रस्ताव लिया गया, सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ जल भराव की। दोनों कॉलोनियों का पानी मंडी में आता है, मंडी के नीचे जी, इसलिए जो पानी इकट्ठा होता है। दूसरी बात, ये सड़कें ऊंची होनी चाहिए, कच्ची सड़कें हैं सब, ये इंटरलॉकिंग आरसीसी होनी चाहिए, इसमें आरसीसी में भी पानी नहीं रुकेगा। और दूसरी बात, चारों तरफ से बाउंड्री टूटी हुई है, चोर उचक्के आए दिन आते रहते हैं यहाँ पे, बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। ये आपकी प्राथमिकता रहेंगे तो ये अधिकारियों से कहाँ तक ले जाएंगे इस बात को? इस बात को तो हम ऊपर तक ले जाएंगे। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, बरसों से एक समस्या चली आ रही है गंदगी की, जो यहाँ का कूड़ा उठा के यही मंडी में डाला जाता है, उसकी वजह उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? भारी और आता है, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा आप? इसी के लिए तो शिकायत करेंगे, और इसीलिए चुनाव हुआ है। अभी ये सटी हुई कॉलोनी है ये मंडी के आसपास, उन लोगों को भी समस्या रहती है गंदगी और बदबू से। अरे कॉलोनियों को गंदगी और आती है, यहाँ ढकेल वाले और गंदगी डाल जाते, चारों तरफ देख सकते हैं आप, चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है। तो ये अधिकारी कौन कौन बैठते हैं यहाँ? यहाँ तो अभी आए दिन तो होता रहता है, लगातार कोई नहीं बैठता है। ऑफिसों में भी पानी देख लो, कोई नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, कोई अधिकारी है।